Class 10th. Till now, I have told you about the introduction of genetics and I have explained you about heredity. Now, in this video, I'm going to start with the terms related to genetics. In genetics, you will come across many new terms. So, we are going to explain, we are going to discuss those terms in this video, and also I will upload 2 or 3 videos more so that I can tell you about all the terms coming in this chapter. Now children, let's start with a gene. Gene is a segment of DNA that codes for a particular protein or that expresses itself. जीन डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा पार्ट है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता हो. सो चिल्ड्रन, ये आप कैसे समझेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट दैट वेदर अ जीन इज एक्सप्रेसिंग और नॉट. चिल्ड्रन, इफ यू रिमेंबर द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आई हैव टोल्ड यू दैट अ डीएनए, जो डीएनए होता है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी कॉपी बना सकता है. यानी कि डीएनए इज़ द ओनली बायोमोलिक्यूल विच कैन मेक इट्स ओन कॉपी एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन. नाउ फ्रॉम डीएनए आरएनए इज फॉर्म्ड एंड फ्रॉम आरएनए प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड. सो चिल्ड्रन, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, दिस इज बेसिकली एमआरएनए, दिस द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. डीएनए से आरएनए का बनना वी कॉल इट एज ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है. तो बेटा ये हो गया सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अब मान लीजिए कि ये कोई डीएनए है, दिस इज़ अ डीएनए. डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. मैं एक वीडियो डालूंगी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो वहां से आप पूरा स्ट्रक्चर डीएनए का पढ़ सकते हैं. तो बेटा ये हुआ डीएनए. अब सपोज डीएनए का ये वाला पार्ट, इतना पार्ट एक प्रोटीन बना रहा है, मान लीजिए वो कोई प्रोटीन है केराटिन, तो ये पार्ट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसलिए इस पार्ट को हम कहेंगे जीन. और मान लीजिए कोई और पार्ट है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और ये पार्ट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा या कोई भी प्रोटीन नहीं कर रहा बना रहा, तो ये पार्ट, दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस या ऐसा डीएनए जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, तो इसे हम जीन नहीं कहेंगे. तो अगेन आई एम टेलिंग यू, द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन और दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ जीन. नाउ चिल्ड्रन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज जीनोम. जीनोम इज एन ऑर्गेनिज्म्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए. Now, complete set of DNA means it will include both gene and the non-coding sequences, means the sequences which do not express itself. यानी कि जीनोम में डीएनए, पूरा डीएनए आएगा, यानी कि उसमें जीन वाला पार्ट भी आएगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और ऐसा पार्ट भी आएगा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है. तो चिल्ड्रन, जीनोम एक्चुअली में होता क्या है, हैप्लॉइड सेल में जो भी डीएनए प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे जीनोम. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. दैट आपको मालूम है दैट जाइगोट इज formed after the fusion of the male and the female gamete during sexual reproduction. So you all know that in gametes 23 chromosomes will be present in case of human beings. So as these 23 will combine, they will form a zygote having 46 chromosomes. So children, genome is the 23 chromosomes present in a gamete. या हम कहें कि किसी normal cell में हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स यानी कि 23 क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड एज अ जीनोम. सो दिस वॉज अबाउट जीनोम. अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की. द नेक्स्ट टर्म इज अ कैरेक्टर. कैरेक्टर, अगर जनरली भी हम इस टर्म के बारे में डिस्कस करें तो आपको मालूम होगा कोई भी ऑब्जर्वेबल फीचर जो आप देख सकते हो पर्सन के अंदर, जो उसने एक्वायर किया हो यानी कि अपने लाइफ टाइम में उसके अंदर आया हो, या फिर उसने इनहेरिट किया हो यानी कि बाय बर्थ उसे मिला हो, तो वो होता है हमारा कैरेक्टर. लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकती हूँ आई कलर. आई कलर एक कैरेक्टर है कि किसी पर्सन की आई ब्लैक हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, या फिर मैं कहूँ हेयर कलर,
किसी के हेयर का कलर, ये एक कैरेक्टर है. अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं प्लांट की हाइट इज़ अ कैरेक्टर. प्लांट कैन बी टॉल, कैन बी ड्वार्फ, बट हाइट ऑफ द प्लांट विल बी कॉल्ड एज अ कैरेक्टर. सिमिलरली शेप ऑफ अ सीड इज़ अ कैरेक्टर, आई कलर एंड हेयर कलर, दीज ऑल आर कैरेक्टर्स. नाउ चिल्ड्रन, let us study a new term, that is allele. Now allele, the full form is allelomorph. Now this allelomorph means alternative form of a character. Ab alternative form of a character ka matlab hai, suppose we are talking about height of the plant. So height of the plant can be tall, lamba bhi ho sakta hai, ya fir dwarf भी हो सकता है या short भी हो सकता है. तो ये tall and dwarf are the alleles of the height of the plant. Alleles हैं किसके? Character के. तभी यहाँ लिखा हुआ है alternative form of a character. या मैं कहूँ hair color. Hair color black भी हो सकता है, brown भी हो सकता है. तो उसका मतलब है कि black and brown will be the alleles, but the hair color is the character. So this was about allele. Now children, here an example is given. This is a tall plant, this is the short plant. So tall and dwarf or short are the alleles and height of the plant is the character. So children, now next term is a trait. Trait is a distinguishing quality typically belonging to a person. Suppose मैंने कहा कि मेरा eye color black है, तो this black eye color is my trait. किसी पर्टिकुलर पर्सन का कोई कैरेक्टर जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में प्रेजेंट होगा, जो उसको डिस्टिंग्विश करता है बाकी लोगों से, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रेट. सो चिल्ड्रन, आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर, trait and gene. So that's all about this video. So in this video you came across gene, genome, character, then you have studied about trait, and the last one is allele. So in the next video you will come across few more terms related to genetics. And children, please don't forget to like, share and subscribe. And one more thing, from next video onwards I will be sending a link in the description box from where you can download all the notes related to genetics. Thank you, class.